दूसरा चैप्टर का था जो अकाउंटिंग और पार्टनरशिप पर क्वेश्चन नंबर 9 है, इसकी रकम लिखी हुई है साइड में। ये रकम है, इसमें जो एबीसी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2010 विद कैपिटल ऑफ 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली 1 जुलाई 2000। एडवांस का मतलब होता है लोन, और लोन पे 6% ब्याज दिया जाता है। यदि नहीं भी कहा गया है क्वेश्चन में तो 6% ब्याज हमें देना पड़ेगा, ऐसा रूल है। और चेने एडवांस नहीं हुए, एडवांस का मतलब लोन, और लोन इसने भी 1 लाख का कर्ज दिया हुआ है बाई वे ऑफ द लोन टू द फर्म, और इसने 1 जुलाई को कर्ज दिया है और 1 जुलाई 2010 को डी ने एडवांस दिया 2 लाख का, और 1 दिसंबर 2010 को सी ने एडवांस दिया 1 लाख का। तो इसमें क्योंकि बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, तो इसमें सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे इसका प्रॉफिट दिया हुआ है 7,70,000, बाई प्रॉफिट 7,70,000, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन में 5,00,000 1 जुलाई 2010 डी ने एडवांस लिया, बी का निकालना पड़ेगा और इंटरेस्ट ऑन लोन सी के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो 1 जुलाई 2010 डी ने एडवांस लिया 2 लाख का, 1 जुलाई को 2 लाख पे 6% ब्याज, और क्योंकि इसने 1 जुलाई को कर्ज दिया है तो इसलिए 31 मार्च तक का अकाउंट क्लोज है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 दिसंबर को इसकी क्लोजिंग है, 31/3/2011 को, तो इस पर 9 महीने का ब्याज देंगे हम। ब्याज है इसका 9,000, और इसी तरीके से रकम में देख रहे होंगे सब, 1 लाख का सी ने एडवांस दिया हुआ है 1 लाख का, लेकिन इसने 1 दिसंबर को दिया है, तो सी का भी निकाल लेंगे। तो सी के लिए सी ने जो एडवांस दिया वो 1 लाख है, 1 लाख 1 दिसंबर को दिया सी ने, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसके 4 महीने। ब्याज टोटल 2,000, उपरोक्त में ट्रांसफर को क्योरिटल अकाउंट 7,70,000 में से 11,000 यदि हमें ब्याज दिया सात लाख सत्तर हजार, तो क्योंकि इसमें रेशो नहीं दिया हुआ है, और जिस क्वेश्चन में रेशो नहीं है एबीसी पार्टनर है तो उनका रेशो बराबर होगा। बराबर बराबर में इसका 2,53,000
2,53,000 इनका ब्याज अजय जी अभी साफ करना पड़ेगा। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसके बाद इसका कैपिटल अकाउंट भी और बनाएंगे बच्चों। कैपिटल अकाउंट ये रकम आपके पास आई हुई है, इसमें जो पूंजी लगाई है 10,00,000, 8,00,000 और 5,00,000। तीनों की 10,00,000, 8,00,000 और 5,00,000। दूसरी साइड में इसका कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर हैं एबीसी जो उन्होंने पूंजी लगाई, ए की 10,00,000, बी की 8,00,000, इसकी 5,00,000 और जो प्रॉफिट आया इनका बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,53,000, 2,53,000, 2,53,000। तो इस जो क्रेडिट साइड इसमें ज्यादा है, डेबिट में कुछ आया नहीं। इसका और 12,53,000 क्रेडिट का टोटल। तो 10,53,000 और जो इसकी पूंजी थी इसका 7,53,000। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस टू बैलेंस सीडी। और क्योंकि इसमें रेशो नहीं दिया हुआ है, इसलिए जब कभी रेशो नहीं होता, रेशो उसमें इक्वली माना जाता है। यानी कि जैसे तीन साझेदार थे 1/1/1 और एक दूसरा नोट्स इंटरनेशनल लोन रेट वेन नॉट गिवन इट विल बी 6% पर एनम। ये रहा बच्चों आपका ये कैपिटल अकाउंट्स, ये था इसका सॉल्यूशन।